हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दिस इज़ एड शार्पनर प्रोडक्शंस और मेरा नाम है देवाशीष। और बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, लो ज्ञान पी लो। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गेट एंड व्हाई शुड यू राइट इट। ये बहुत कॉमन सवाल है दोस्तों, जो काफ़ी सारे इंजीनियर्स को पड़ता है कि ये गेट एग्ज़ाम होती कैसी है और क्या हमने गेट एग्ज़ाम लिखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो गेट है क्या? गेट का लॉन्ग फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली गेट एग्ज़ाम आईआईटीज और आईएससीज हर साल फरवरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आईआईटीज और आईएससीज तो आप सब जानते ही होंगे। जिनको नहीं पता, आईआईटीज एंड आईएससीज आर टॉप मोस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दे आर रैंक्ड क्वाइट हाई। तो आईआईटीज मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आईएससी सिर्फ एक है इंडिया में, जो है बेंगलोर में, जिसका नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो दोस्तों, गेट एग्ज़ाम एक 100 मार्क्स का पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है, और हर ब्रांच के लिए एक अलग अलग पेपर होता है। और इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक सही जवाब चुनना होता है। और अगर आपका जवाब गलत हो तो आपके उसमें नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये टेस्ट में काफ़ी कम नंबर्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने 100 में से 100 पा लिए। बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं कि गेट में किसी के पूरे नंबर आ गए। वैसे सिलेबस टेक्निकल और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस से ही आता है। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो करीबन 85 नंबर्स में मैथमेटिक्स और मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बचे हुए 15 मार्क्स जो होते हैं वो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के होते हैं। तो एप्टीट्यूड में आपको जनरल मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश, ये भी इंक्लूड किया जाता है। करीबन 10 लाख लोग हर साल ये एग्ज़ाम लिखते हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 2019 के लिए आईआईटी मद्रास ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली है। 2019 में अलग अलग 24 गेट के पेपर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो भी आपके गेट पेपर के बारे में स्पेसिफिक सवाल है वो आप कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि गेट एग्ज़ाम हमें क्यों लिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है इज्जत, पैसा और पावर। ऑब्वियसली पावर आपको गेट एग्ज़ाम लिखने से नहीं मिलेगी। अगर पावर चाहिए तो आप यूपीएससी लिख सकते हैं, लेकिन इज्जत और पैसा, ये दो चीज़ें मिलाने के कई सारे तरीके आप गेट एग्ज़ाम लिखने के बाद खोल सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ मैंने लिखी है एमटेक फ्रॉम आईआईटीज एंड एनआईटीज। दोस्तों, आईआईटीज और एनआईटीज इंडिया के काफ़ी एडवांस टेक्निकल और बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे नहीं हैं, कई बार तो लैब्स में चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंडिया में आईआईटीज और एनआईटीज बेस्ट है। तो यहाँ से एमटेक करने का चांस आपको मिलता है। अगर आपका बीटेक का कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है तो आप एक बहुत अच्छी जगह जाके आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो जिसके लिए गेट लोग लिखते रहते हैं वो होता है PSUs, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये कंपनीज़ हैं जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, और इसीलिए ये गवर्नमेंट जॉब की तरह सिक्योर माना जाता है, जिसका पैकेज भी 10 लाख से 20 लाख तक होता है। रिसर्च ये तीसरा ऑप्शन है। अगर एमटेक आप करते हो और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप एमटेक के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ना कि सिर्फ इंडिया में, आप इवन फॉरेन में भी PhDs या फिर पोस्ट डॉक कर सकते हैं। तो रिसर्च ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। एमटेक के बाद कई सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में प्राइवेट हो तो वो एमटेक के बाद ही आपको इंजीनियरिंग टीचर करके रिक्रूट कर सकते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ दोस्तों। पांचवा ऑप्शन है टेक स्टार्टअप्स। सबसे बड़ा कारण है कि आप जब IITs या NITs में जाते हो या फिर आप PSUs में जाते हो,
आप टेक्नोलॉजी के साथ बहुत क्लोज रह के काम करते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हो दोस्तों, और ये चीज़ें सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपको अलग अलग दोस्त मिलेंगे जो कि सेम टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस शेयर करते हैं, जिनको भी लाइफ में कुछ करना है, जो जॉब से पक चुके हैं या फिर जिन्हें कुछ चेंज लाना है, ऐसे दोस्त मिलके या फिर आपकी टीम बना के आप टेक स्टार्टअप्स खोल सकते हो। मेरे खुद के काफ़ी पहचान के लोग हैं जिन्होंने टेक स्टार्टअप्स खोले हैं। तो एक बोल्ड आपकी मूव हो सकती है, अगर आप आज कुछ नहीं कर सकते और अगर आपने गेट लिखी और आगे आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुँच के वहाँ से सीख के एक बहुत अच्छा टेक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक स्टार्टअप खोलने के लिए आपको गेट देनी ही पड़ेगी और IITs और NITs में पहुँचना ही पड़ेगा, लेकिन आपका रास्ता आसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और आपको क्या क्या मिलेगा गेट लिखने से। जैसे कि मैंने बोला, एक नया अपॉर्चुनिटी का डोर खुल जाएगा, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगी और आपके टेक्निकल स्किल्स काफ़ी डेवलप होंगे इवन इन द प्रिपरेशन। गेट की प्रिपरेशन कब करनी है, इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। और जो आखिरी के तीन पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, जो मैं मानता हूँ जो ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। टू गेट बेटर एज ए पर्सन, मैं ये मानता हूँ दोस्तों, अगर आपसे बेटर लोगों के साथ रहोगे तो आप एक इंसान के नाते बहुत एक अच्छे इंसान बनते हो। आप समझ लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप अगर IIT बॉम्बे में चले गए या फिर आप जॉब के कारण पुणे में चले गए, बेंगलोर में चले गए, तो आप नए लोगों के साथ मिलजुल के रहना सीखते हो, आप नया कल्चर जानने लगते हो, आपका सही गलत का कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तो आप पर्सन एज अ पर्सन आप खुल जाते हो, एज अ पर्सन आप बेटर बन जाते हो। ऑफकोर्स आप जब PSUs ज्वाइन करोगे, आप टेक स्टार्टअप्स ज्वाइन करोगे, आप जब IITs या NITs में जाओगे, तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो आपसे बेहतर होंगे और जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि गेट एग्ज़ाम लिखिए और प्रिपरेशन करिए। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, कि अगर आप गेट में फेल होते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दो चीज़ें होंगी, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, और दूसरी चीज़, फेलियर हमेशा सक्सेस के लिए एक पहली स्टेप होता है, ये तो आप सब जानते हो। अगर आप गेट में फेल हो जाते हो तो आपको लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फेलियर कितना हेल्प करेगा। ये मुझे खुद कैसे अनुभव हुआ, इसके लिए चाहे तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। इतने ही कारण है दोस्तों कि गेट आपने लिखनी चाहिए। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और गिव मी अ थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल। सी यू सून।